पेट में दर्द हुआ, आप सिर्फ अपने कलाई को हल्का सा रब करिए, आपका तुरंत रिलीफ मिल जाएगा, तो आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गर्ल एम्पावरमेंट, जो आज हाइजीन को लेके गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है और ये समस्या पूरे देश की है, तो हम लोगों ने कुछ इलाके चिन्हित किए हैं जिसमें हुगली भी एक इलाका आता है। गत बृहस्पतिवार को भद्रेश्वर स्थित गुंडलपारा शास्त्री हिंदी हाई स्कूल में एनजीओ मी एंड माय फ्रेंड्स और द आर्ट ऑफ लिविंग के संयुक्त तत्वावधान में मासिक धर्म स्वच्छता और समग्र स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर योगा इंस्ट्रक्टर अर्चना शर्मा, मी एंड माय फ्रेंड्स के फाउंडर किशन कुमार अग्रवाल, गुंडलपारा शास्त्री हिंदी हाई स्कूल के पूर्व छात्र श्री ओम शाह, स्कूल के असिस्टेंट टीचर अजय कुमार सिंह, आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर वंदना गर्ग सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। तो आइए सुनते हैं इस अवसर पर किसने क्या कहा। देखा जाए तो ना, मैं भी एक लेडीज़ हूँ तो मुझे खुद को पता है कि इस समय अपने लेडीज़ों को काफ़ी दिक्कत होती है। और फिर मैं देखती थी जो मेरी मेड लोग आती है, उन लोग को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है, उन लोग भी हर समय छुट्टी लेती है। तो फिर मैंने जब उनसे बात किया तो पता चला कि उनकी बेटी लोग भी स्कूल नहीं जाती है। तब मैंने इस पर वर्कआउट करना चाहा, तो जब मुझे पता चला कि ये छोटे छोटे एरियाज में इन लोग को पता नहीं है कि मेंस्ट्रुएशन हाइजीन में इनको क्या मेंटेन करना चाहिए, जिस कारण इनकी हेल्थ इशू प्रॉब्लम आती है और इन लोग को स्कूल एब्सेंट करना पड़ता है। अगर मैं मानूँ ऐसे ही है ना, मंथ में 20 दिन 22 दिन स्कूल होते हैं और उसमें भी अगर बच्चे लोग 5-6 दिन एब्सेंट करेंगी तो सोचिए साल में उनके पढ़ाई का कितना लॉस होता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मेरे को लगा कि नहीं, मैं जब खुद एक वीमेन हूँ तो मुझे एक वीमेन एम्पावर पे वर्क करना चाहिए। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं जाके इन बच्चियों को इसके बारे में नॉलेज दूंगी ताकि ये अपने आप को अपलिफ्ट करने पाए, और ये जो छोटी छोटी टिप्स देने से अगर इनकी हेल्थ इशू या हेल्थ प्रॉब्लम ठीक होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं एक समाज में एक बदलाव लाने की कोशिश कर पाऊँगी। बटरफ्लाई सिखा रही हूँ, इसको भद्रासन भी बोलते हैं। इससे क्या होता है ना, इनके थाई में जो क्रैम्प्स वगैरह आता है लड़कियों के जब पीरियड्स के टाइम पे, उसमें काफ़ी आराम मिलता है क्योंकि ये पार्ट्स जो है ना थोड़ा सा कम स्ट्रेच होता है। तो ये जैसे पीरियड्स में ना ये बहुत पोर्शन भारी हो जाता है, ये स्ट्रेचिंग करने से इनको आराम मिलेगा। हमरा एटा जोने चिंता भावना कोडछिलम, बात हो रही थी, फिर आर्ट ऑफ लिविंग के वंदना जी से बात हुई हमारी। तो गर्ल एम्पावरमेंट, जो आज हाइजीन को लेके गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है और ये समस्या पूरे देश की है, तो हम लोगों ने कुछ इलाके चिन्हित किए हैं जिसमें हुगली भी एक इलाका आता है, और हुगली इलाका में यहाँ गोंदलपाड़ा शास्त्री हिंदी हाई स्कूल से हम लोगों ने बात की। उन्होंने कहा कि हाँ आप आइए और ये बच्चे लोगों को प्रोग्राम करिए। इसमें हम लोग, ये 2 दिन का प्रोग्राम है, 5 से 6 घंटे तक चलेगा। इसमें हम लोग गर्ल्स को कैसे हाइजीन मेंटेन करनी है, कैसे डिस्पोजेबल करना है, उसके लिए दर्द को कम करने के लिए क्या योगा है, आसन है, जो कि वंदना जी ट्रेंड है इसमें, वो यहाँ पर बच्चियों को गाइड करेंगे। और इसके बाद उन्हें एक किट भी दिया जाएगा जिसमें कि इससे रिलेटेड ज़रूरी सामान होंगे, तो वो सैंपल के रूप में वो समझ पाए और आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर पाए। 150 लड़कियां है जो कि क्लास 7 to 10 मैंने टारगेट सेट किया है उन्हें बताने के लिए, क्योंकि 7 to 8 लड़कियां का क्या है, जस्ट मेंस्ट्रुएशन आता ही है तो उन्हें कुछ पता नहीं, और काफ़ी इन लोगों को मिथ के बारे में बताया जाता है कि नहीं हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये गंदी चीज़ है, बात नहीं करनी चाहिए। मतलब इसके बारे में उसी समय ही बच्चे के अंदर एक बीज बोया जाता है कि नहीं ये गलत है, लेकिन मेरा ये मानना ये गलत नहीं है, ये हमारा पार्ट ऑफ द लाइफ है, लड़कियाँ लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, और बल्कि हमें खुद को लड़के लोग को अवेयर करना चाहिए और इसके बारे में 100% उन्हें नॉलेज देनी चाहिए ताकि आने वाले टाइम में वो अपनी हेल्थ को बेटर रख सके और अपनी फैमिली को भी अच्छा वातावरण में रह सके। देखिए, हम लोग का जो ये इलाका है थोड़ा बस्ती इलाका है, बैकवर्ड इलाका में पड़ता है,
जूट मिल इलाका है, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो साई किस्म के हैं, बहुत सारे जो गर्ल्स जो हैं विशेषकर, जिस पर आप लोग देखा मैंने आज काम करना चाह रहे हैं अवेयरनेस का, तो उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। उतने अपने जो फिजिकल जो प्रॉब्लम है वो खुल के अपने फैमिली से या डॉक्टर से शेयर नहीं कर पाते हैं, तो अगर उस विषय पर अगर उनको जागरूक किया जाए तो ये छोटा सा अगर अवेयरनेस रहा तो गंभीर बीमारी से वो लोग बच सकते हैं, और शरीर अगर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तो क्या होगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा, अच्छा कैरियर बनेगा, और यहाँ से अगर बच्चे अच्छी जगह पर जाएँ तो इलाका का भी नाम रोशन होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग की पश्चिम बंगाल सरकार निर्मल पखवाड़ा आज से चालू कर रही है, जितने भी स्कूल है आज उसमें 15 दिन तक बच्चों में अवेयरनेस, इलाके में अवेयरनेस का एक प्रोग्राम निर्धारित किया गया है, और आज पहला दिन आप लोग आए हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। स्कूल का दरवाज़ा, इलाका का दरवाज़ा आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप लोग आइए, सोशल एक्टिविटी कीजिए, इससे बच्चों को, जो यंग पीढ़ी के बच्चे, उनको लाभ मिले, स्कूल आगे बढ़े। मेरा मानना है, सबसे पहले तो होता क्या है, जनरली पेट में दर्द होने के कारण क्या है, काफ़ी परेशानी होने के कारण इन लोग मेडिसिन लेती है, तो मेरे को नहीं लगता कि मेडिसिन की ज़रूरत है, क्योंकि हमने ना कुछ एक योगा सीखा है, प्राणायाम सीखा है, और अगर ज़्यादा इरिटेशन वगैरह होते तो अगर मेडिटेशन, मतलब योगा प्राणायाम मेडिटेशन का अगर हम सहारा ले ना, तो इससे हमारी लाइफ बहुत बेटर होगी। और मोरोवर मेंस्ट्रुएशन के टाइम में जो प्रॉब्लम्स होती है, पेट में दर्द करना, अगर हम छोटी छोटी मुद्राएं भी करते हैं ना, हमें नहीं, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि पेट में दर्द हुआ, आप सिर्फ अपने कलाई को हल्का सा रब करिए, आपका तुरंत रिलीफ मिल जाएगा, तो आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे डायरेक्ट कनेक्शन हमारे पेट से है। तो आप बताइए, हल्का सा ये रब आप कभी भी कर सकते हैं, तो ऐसी हम छोटी छोटी टिप्स यहाँ पे लड़कियों को दे रहे हैं, जिससे वो हाइजीन भी मेंटेन रखे और साथ साथ में योगा प्राणायाम के सहारे वो अपने लाइफ को आगे लीड करने पाए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा एखन एक प्रोजेक्ट कमप्लीट हलो, हमारे शिविर छिल, शिविरटा हेल्थे उपरे, तारपरे ये संडे 18 तारीखे हमारे गो सेवा आछे, परवर्ती सप्ताह हमारे हावड़ाते आबार मेंस्ट्रुएशन हाइजीन लिए प्रोजेक्ट आछे, এটা আমরা কন্টিনিউ করছি, যা যা আমাদের প্রজেক্ট চলছিল সেটাও কন্টিনিউ আছে, এটা একটা নতুন প্রজেক্ট আমরা স্টার্ট করেছি। मैं ये बोलूँगी कि किसी को भी इस बारे में ना गलत स्वभाव नहीं, बल्कि खुलकर बात करनी चाहिए लड़कियों को, जो भी माया है, माँ लोग हैं, अपनी बेटी को खुद एक फ्रेंड की तरह बने और उनको खुल के इस बारे में नॉलेज दे, ताकि वो आने वाले टाइम में इसको अपना, क्योंकि ये हमारा लाइफ का पार्ट है। ये अगर मैं मान लूँ, ये लड़की लोग को 10 से 12 साल के लड़के को होने लगता है, जो कि 40-45 ईयर्स चलता है, तो आप सोच के देखिए कि कितने लंबे समय तक उसे जीवन के साथ अटैच है। अगर हम उन्हें अच्छी नॉलेज देंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले लाइफ टाइम में वो अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, ये आप लोगों की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रयास है, जो आप लोग काफ़ी दूर से, हम जैसे छोटे एरिया में, स्लम्स एरिया में, मजदूरों के एरिया में आप आके, खासकर लड़कियों के लिए जो 11-12 है, हाई स्कूल्स की लड़कियां हैं, इनके लिए काफ़ी आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जो कि हाइजीन्स और ये जो आप मेंस बोल रहे हैं, इनसे बहुत सारी लड़कियां जो है आज के इस युग में भी अनजान रहती हैं, और दुनिया काफ़ी आगे बढ़ गया है, इन सब चीज़ों को बात करने से काफ़ी लोग हिचकिचाते हैं, जहाँ आप इस चीज़ को बहुत बोल्डली बताना चाहते हैं, एक तरह से कह सकता है कि आप सिखाना चाहते हैं, तो ये हम लोग के लिए और हमारे स्कूल के लिए बहुत बड़ा आप लोग की तरफ से एक उपलब्धि भी कहेंगे, और हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक उपकार भी कहेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि हमेशा आप लोग जो इस तरह का प्रयास करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट 24/7, ताज़ा समाचार।